हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94 हजार प्राथमिक शिक्षक बहाली के बारे में, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो है जो लो मेरिट है या औसत मेरिट है या जिनका कम मेरिट है उनको जो है काउंसलिंग किस डेट्स में करानी चाहिए। क्योंकि जो है यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि नियोजन इकाई वार जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। पहली काउंसलिंग जो है 5 तारीख को नगर निकाय स्तर पे जो होगी वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है 7 तारीख को आयोजित की जाएगी जो कि प्रखंड स्तर पर होगी। फिर उसके बाद जो है 12 तारीख को जो है आयोजित की जाएगी जो कि पंचायत स्तर पर होगी। तो यहाँ पे जो है बिहार शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन ये देखने के लिए मिल रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आकर के कि जो है हम लोग जो है किस समय काउंसलिंग कराएं, यानी कि किस डेट में हमको काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि मेरे जो नंबर हैं जो मेरिट है वो बहुत कम है। तो इस वीडियो में जो है सारी बातें आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। और ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में लगातार ये पूछा जा रहा है कि सर मेरा जो है मेरिट कम है तो क्या मैं अगली डेट में काउंसलिंग करा लूँ। मतलब वो ये मान के चल रहे हैं कि पहली डेट जो काउंसलिंग की रखी गई है नगर निकाय स्तर पर उसमें जो है हाई मेरिट वालों का होगा सिलेक्शन। फिर उसके बाद वो सोच रहे हैं कि उस काउंसलिंग प्रक्रिया में हम भाग ना लें क्योंकि मेरी मेरिट जो है औसत है या जो है लो मेरिट है या मिडिल मेरिट है। तो वो सोच रहे हैं कि जो है जो पहली काउंसलिंग है वो हम लोग जो है छोड़ दें, स्किप कर दें और उसके बाद जो है हम लोग जो है ब्लॉक स्तर पर जो है लेंगे। और यही हाल जो है सबसे लो मेरिट वालों का है, वो सोच रहे हैं कि हम पंचायत स्तर पर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने नगर निकाय पर भी जो है आवेदन किया है, ब्लॉक लेवल पर भी आवेदन किया है, पंचायत स्तर पे भी आवेदन किया है, तो आपको किसी भी डेट की काउंसलिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी मेरिट कुछ भी हो, ठीक है। यानी आपकी हाई मेरिट हो, चाहे मिडिल मेरिट में आ रहे हो, चाहे लो मेरिट में आ रहे हो, 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपने नगर निकाय में आवेदन किया है, आपने ब्लॉक में आवेदन किया है, आपने पंचायत में आवेदन किया है, तो आपको काउंसलिंग छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी गलती आप भूल के भी मत करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन कैंप काउंसलिंग है। ओपन कैंप काउंसलिंग में ये होता है कि आपका जो लक होता है वो आपके साथ होता है, ठीक है। हाई मेरिट वालों का तो लक उनके साथ रहता है ये, लेकिन जो मिडिल मेरिट है या जो लो मेरिट वाले हैं उनका लक उनका साथ देता है। क्योंकि हो सकता हो कोई ऐसी नियोजन इकाई में आप पहुंच जाएं जहां पे ना हाई मेरिट वाला बैठा हो ना मिडिल मेरिट वाला बैठा हो, तो आप वहां पे जो सबसे लो मेरिट है उसका सिलेक्शन वहां पे कन्फर्म हो जाता है। तो आपको कोई भी काउंसलिंग, किसी भी डेट की काउंसलिंग बिल्कुल छोड़नी नहीं है। अगर आपने नगर निकाय में आवेदन किया है, आपने ब्लॉक में आवेदन किया है, आपने पंचायत में आवेदन किया है, तो आप तीनों डेट में काउंसलिंग कराइए, ठीक है। काउंसलिंग नहीं छोड़ना है आपको। ये नहीं पहले से सोच लेना है कि मेरा लो मेरिट है तो मेरा नहीं होगा, मेरा मिडिल मेरिट है तो नहीं होगा, अगले का हाई है तो उसका हो जाएगा। ऐसा कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, थोड़ा सा आपका पैसा संसाधन खर्च होगा, लेकिन आप वहाँ पे जाइए और पहले चरण की काउंसलिंग में भाग लीजिए, दूसरे में भी लीजिए, तीसरे में भी लीजिए अगर आपने आवेदन किया है। इससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो आपको वहाँ का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो ओपन कैंप काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है। ये पहली बार काउंसलिंग जो हो रही है ये इस बार जो है नियोजन इकाई वार हो रही है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का जो है इशू नहीं है, कोई मेरिट का इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है जैसे नगर निकाय की जो काउंसलिंग होगी उस दिन नगर निकाय में जितने लोग ने आवेदन किया होगा, चाहे वो 1 से 5 का हो, चाहे 6 से 8 का हो, चाहे किसी भी विषय का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, सारे लोग जाकर के जो है उस जिला में जो है काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये आपको मिस नहीं करना है, चाहे लो मेरिट हो, चाहे हाई मेरिट हो, चाहे मिडिल मेरिट हो, आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप वंचित हो जाएंगे, हो सकता हो कि आपका पहले ही चरण में हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।